हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर वन गुडविल चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पास आज हम लोग गुडविल को समझाएंगे कि गुडविल क्या होती है, उसकी इंट्रोडक्शन और उसके जो मेथड्स हैं उसमें से आपके पास एक मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है स्टूडेंट की गुडविल क्या होती है। जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि गुडविल क्या होती है तो बहुत से बच्चे आंसर दे देते हैं और कहते हैं कि रेप्यूटेशन मीन्स गुडविल, राइट। क्योंकि अगर आपके पास रेप्यूटेशन है तो वो गुडविल की टर्म्स में, जनरल लैंग्वेज में, लेमैन के लैंग्वेज में गुडविल कही जाती है। लेकिन ये जो गुडविल होती है इसके बारे में और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। जैसे कि ये इनटैंजिबल एसेट है, ये आपकी सेल की जा सकती है, यानी जब कभी बिजनेस बेचा जाता है तब आप अपनी जो फिजिकल एसेट्स हैं, जो टेंजिबल एसेट्स हैं, उनके साथ साथ आपने जो इतने सालों से कस्टमर लॉयल्टी अर्न की है, कस्टमर लॉयल्टी मीन्स कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ, आपके ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं बिकॉज आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं या टाइमली उनको कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दैट कस्टमर लॉयल्टी इज बेसिकली योर गुडविल। तो अगर कुछ कस्टमर्स आपके साथ कंफर्म हो चुके हैं, वेदर उसका ऑनर कोई भी हो, तो इसी तरीके से वो आपकी क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। तो गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट और ये सेल वैल्यू रखती है। तो जब आप कहोगे कि ये सेल वैल्यू रखती है तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, तो वही इस चैप्टर में आपको क्लियर करा गया है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और एक 5 साल बाद एक सी पर्सन है वो फर्म में आ जाता है और फर्म को एक पार्टनर की जरूरत है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, तो आप लोगों ने सी को एंट्री दी। लेकिन एक सिंपल सी बात सोचिए कि अगर आप सी को पार्टनर बनाते हैं तो सिर्फ कैपिटल क्यों लेंगे? आपने 5 सालों में इतना बड़ा सेटअप क्रिएट करा, इतनी मेहनत करी, कुछ कस्टमर्स आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ऐसे केस में सी सीधा आए और उसका बेनिफिट उठाना शुरू कर दे, उन प्रॉफिट्स को लेना शुरू कर दे। क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग की थी तो बहुत डिफिकल्टी आप लोगों को हुई थी आज की सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, तो इसीलिए एक नया पार्टनर आपको गुडविल के पैसे भी पे करता है। तो इन सभी बातों में ये सवाल उठता है कि ठीक है, गुडविल के पैसे लेने हैं नए पार्टनर से, इवन जब आप बिजनेस बेच रहे हैं तो आपका जो बायर है उससे आप चार्ज करेंगे गुडविल के पैसे, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाए। तो वही आपको इस चैप्टर में समझाया गया है कि गुडविल को मनी टर्म्स में कैसे निकाला जाता है। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट्स होते हैं आपके, जब अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो वही आपको बेस देते हैं गुडविल के लिए। अच्छा, इसका मतलब गुडविल इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट है या सुपर प्रॉफिट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो गुडविल इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट इज डिपेंडेंट अपॉन सेल्स एंड द सेल्स इज डिपेंडेंट अपॉन क्वालिटी, टाइमली अवेलेबिलिटी टू द कस्टमर्स। यानी अगर आपको सेल बढ़ानी है तो आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पूरी बात घूमकर यहाँ आ गई कि गुडविल इज बेसिकली योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड, सेल्स इज इंक्रीजेस, और सेल्स अगर आपकी इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट्स पर आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट्स जो है वो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल बनाएंगे और जिससे आपकी गुडविल की वैल्यूएशन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक सो आपको क्लियर रहा हो कि रेप्यूटेशन जो है वो अपने कमाई कैसे, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देकर, कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसे कमाकर आप गुडविल को कमाते हैं। तो गुडविल को लेकर आपको थोड़ी बात समझ में आई होगी कि गुडविल क्या है एक्चुअली में। तो गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, इट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स इन द पास्ट। तो जो आपने एफर्ट्स करे, जैसे कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे या आपने ऐसी जगह पर अपनी क्या कहते हैं बिजनेस एस्टेब्लिश करा जहां से आपको रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट के लिए आसानी से मिल जाता है, बाकी कॉम्पिटिटर्स को आसानी से नहीं मिलता। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपके लिए वो फेवरेबल रही सिचुएशंस, और आपके एफर्ट्स जो थे वो कस्टमर को खुश कर गए और कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। तो बेसिकली वी कैन से दैट कस्टमर लॉयल्टी टूवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गुडविल, या आप इसे कह सकते हैं रेपुटेशन या प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहें। तो देखिए टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा ये दो गुडविल बहुत यूज होंगी आपकी। कई बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है वन मार्कर में, एक परचेज्ड गुडविल होती है स्टूडेंट और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दैट इज इन्फर्ड गुडविल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जो आपने खुद जनरेट की है उसे आप बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, आपने कमाई है, एक रेपुटेशन आपने कमाई है, कस्टमर लॉयल्टी आपने अर्न करी है, उसका वैल्यूएशन भी हम लोग करना सीखेंगे यहां पर,
लेकिन आप उसे अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन्हीं एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करेंगे जो आपने परचेज की है, जिसके लिए आपने कोई पेमेंट की है। इसी वजह से जो परचेज गुडविल है, यानी अगर आपने किसी और कंपनी का नाम परचेज करा है या किसी और से कुछ ऐसे कोई पेटेंट या ऐसी कोई चीज ली है, उनका नाम लिया है, उनकी गुडविल ली है, तो उस गुडविल की जो पेमेंट आपने करी है वही गुडविल आपकी बैलेंस शीट में शो करी जाती है। तो ये डिफरेंस आप जरूर याद रखेंगे कि जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है दैट इज परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इन्फर्ड गुडविल जो है, जो आपने खुद से कमाई है, उसकी वैल्यूएशन जरूर की जाती है लेकिन उसे बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर नहीं शो किया जाता। तो अब अगर आप रीजन जानना चाहते हैं, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि किन वजहों से गुडविल बनती है, तो अगर आप एक मैनेजर है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे गुडविल बनाई जाए, फोन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से हमने कुछ फैक्टर्स आपके सामने लिखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है तो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देगी, इससे आपकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी, तो आप प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा ऐड कर सकेंगे। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा ऐड कर सकेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स लीड्स टू क्रिएट गुडविल। इसी तरीके से अगर आपने जहां पर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करा दैट इज अ फेवरेबल लोकेशन फॉर योर प्रोडक्ट, ये भी आपकी गुडविल को बनाने में मदद करेगी। इसी तरीके से एसेस टू द रॉ मटेरियल, अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल को आपको इजीली उसकी एक्सेस है, यानी आपको जो रॉ मटेरियल है उस प्रोडक्ट का बनाने के लिए वो इजीली मिल जाता है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले, तो आप डेफिनेटली सेल ज्यादा कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा होगा, विच इन टर्न अफेक्ट दी गुडविल ऑफ द फर्म। और इसी तरीके से अगर आप कस्टमर्स के आफ्टर सेल जो रिलेशन होते हैं उन्हें अगर आप अच्छे तरीके से बना सके, जिस तरीके से अब आप देखें सभी कंपनीज जो है वो आपको कस्टमर केयर सर्विसेज देती है, पीछे रीजन यही है कि जो कस्टमर्स के फीडबैक है प्रोडक्ट्स को लेकर या कस्टमर की जो ग्रीवेंसेस हैं वो हम उन्हें सॉल्व कर सकें, ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के साथ बने रहें रादर देन वो आपके प्रोडक्ट को छोड़कर चले जाएं। तो कुछ एक फैक्टर्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स आपके पास हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं गुडविल को क्रिएट करने। अब बात आती है कि ठीक है, अगर हम कब व्हेन गुडविल इज कैलकुलेटेड, कब आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक तो सबसे पहले अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लेते हैं, तो ऐसे केस में गुडविल कैलकुलेट होती है। एक्चुअली गुडविल कब कब कैलकुलेट होती है, गुडविल कैलकुलेशन के पीछे रीजन ये है कि जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक सिंपल सी बात है कि दो पार्टनर हैं, मान लीजिए वो जो प्रॉफिट था पहले इक्वली बांटा करते थे, दोनों के बीच में इक्वल बटा करता था। अब ये हुआ कि ए और बी ने जो रेशियो है वो 7:3 कर दी। अब क्या होगा, ए के पास पहले के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट जाएगा, दैट इज 7/10, और बी के पास कम जाएगा, यानी जो हाफ ऑफ वाला पोर्शन था वो कहीं ये पोर्शन हो गया कि अब 7/10 जो है वो ए लेगा और बाकी का जो 3/10 है वो बी लेगा। तो बी ऐसा क्यों करने देगा, ए बी का क्या बेनिफिट इस चीज, तो बी कहेगा कि आप मुझसे शेयर गेन कर लीजिए, लेकिन जितना शेयर आप गेन करेंगे उसके बराबर में जो आज तक मैंने गुडविल कैलकुलेट या गुडविल बनाने में, फर्म की गुडविल बनाने में जो कंट्रीब्यूट करा है उसके बराबर मुझे पैसा दे दीजिए। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी कोई शेयर में गेन करेगा तो वो गुडविल के पैसे चार्ज करेगा, और जो भी सेक्रीफाइस करेगा अपने शेयर का किसी भी पार्टनर के लिए तो वो आपसे गुडविल के पैसे मांगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एडमिशन होता है तो एक नया पार्टनर आता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उसके लिए उसने शेयर को सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो भी उससे गुडविल के पैसे चार्ज करेंगे क्योंकि इतने सालों से उन्होंने बिजनेस को तैयार किया है, उसे ऐसे तो एंट्री देंगे नहीं। इसी तरीके से रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो वो कहता है कि मेरी कैपिटल तो मुझे दोगे, मेरे रिजर्व तो मुझे दोगे, साथ ही साथ जो ये गुडविल बनी है बिजनेस की इसमें मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो मुझे भी मेरा जो कंट्रीब्यूशन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जो शेयर मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मान लीजिए एबीसी तीन पार्टनर है, इक्वल रेशियो है 1:1:1, बी जो है वो रिटायर हो जाता है, तो बी अपना जो शेयर है 1/3 वो दोनों के बीच में बांट के चला जाएगा। वो डिपेंड करता है कि इनकी एग्रीमेंट किस तरीके का है, दोनों के बीच में बटेगा या एक के बीच में बटेगा। तो ऐसे केस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो गेनर है उसके शेयर के और ये अपना शेयर छोड़ के जा रहे हैं, तो ये गुडविल आपसे लेकर जाएगा। तो और भी ऐसे कारण है जैसे कि फर्म जो है वो बेची जाती है, सोल्ड करी जाती है, तब भी गुडविल की कैलकुलेशन होती है। इसी तरीके से जब दो फर्म आपस में अमलगमेट होती हैं या मर्ज होती हैं तब भी हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो सवाल उठता है कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो वी हैव 4 मेथड
एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड. एक और मेथड आपको यहाँ बुक में मेंशन है, वेटेड एवरेज मेथड. वो आपका कई बार कहा जाता है कि सिलेबस से काट दिया गया है और फिर दूसरे बुक में दिखाया जाता है. वो बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप पढ़ लीजिए, आपको आना चाहिए वो. तो उसमें वेट्स दे रखे होते हैं, बस एवरेज प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना होता है. और हम आपको एक दो क्वेश्चन उसके बताएंगे जरूर. तो देखिए, फिलहाल जो आपके मेन चार मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड के बारे में हम आपको आज डिस्कशन देंगे, उसके बाद सेकेंड मेथड के बारे में भी बात करेंगे. तो देखिए, मेथड वन है आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड. गुडविल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ऑन एन एवरेज अब तक आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ऑन एन एवरेज. तो इसके लिए जितने भी सालों का आपको प्रॉफिट दिया होगा वो आप टोटल करेंगे, डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स आपने न्यूमिनेटर में लिए हैं उतने ही डिनोमिनेटर में लेंगे. एक वर्ड और आपको चाहिए, इससे तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. एक वर्ड आपको और चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज. इसका मतलब ये होता है कि कितने सालों से आप बेसिकली ऐसा सिमिलर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा हमेशा. तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा. तो फिलहाल बस हमें ये चाहिए एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा. एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है और इसके लिए ये याद रखना है कि आपको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, यानी कोई भी एबनॉर्मल खर्चा आपके प्रॉफिट में से माइनस नहीं होना चाहिए. एबनॉर्मल क्या होता है, जो रेगुलर बेसिस पे खर्चे नहीं होते बिजनेस के. कोई भी एबनॉर्मल इनकम प्रॉफिट में ऐड नहीं होनी चाहिए. अगर है तो एबनॉर्मल एक्सपेंस जो कि सब्ट्रैक्ट किया गया था वापस ऐड बैक कर दिया जाएगा अगर आपने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है. और अगर कोई एबनॉर्मल गेन उस प्रॉफिट में ऐड किया गया था तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा. क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी ये बात. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर फ्रॉम 1st अप्रैल 2016 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. सी विल ब्रिंग 2/5 ऑफ द शेयर. सी विल बी गिवन 2/5 ऑफ द शेयर. तो वो 2/5 शेयर मांग रहा है और ऐसे में उसको गुडविल देनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, क्योंकि अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्हें अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सी के लिए. गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म. प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years इज दिस. 31st March एंडेड है ये. 2016 का आपको प्रॉफिट गिवन है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ फायर. यानी यहां से लॉस ऑफ फायर के 40,000 रुपए डेबिट कर दिए गए थे, यानी माइनस कर दिए गए थे. और लॉस बाय फायर एक ऐसा खर्चा है जो नॉर्मली नहीं होता, इट्स एन एबनॉर्मल एक्सपेंस. और अभी आपको बताया गया कि इस मेथड में आपको गुडविल की कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है. तो दिस इज नॉट नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें से आपने एक एबनॉर्मल खर्चा भी माइनस कर दिया. तो इसे नॉर्मल पे पहुंचाने के लिए ये जो एबनॉर्मल खर्चा आपने माइनस करा है इसे वापस एड बैक किया जाएगा. इसी तरीके से आप देखिए, लॉस गिवन है आपको 80,000 रुपीज का इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन. तो आपने 1,10,000 रुपए की वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन दी थी. ये जो स्कीम आती है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, इसमें जो कंपनसेशन दी जाती है एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को, इट्स नॉट अ रेगुलर एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. इट हैपेंस इन 7 to 8 years आपके पास ये चीज होती है. ये रेगुलर बेसिस की चीज नहीं है. तो इट्स ऑल्सो एबनॉर्मल एक्सपेंस. तो ये एबनॉर्मल एक्सपेंस इसमें से माइनस नहीं होना चाहिए था, इसे दोबारा एड बैक कर दिया जाएगा ताकि आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिले. सिमिलरली 2014 का आपको प्रॉफिट गिवन है 10,000 एंड इट इज इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स सेट. अब आप देखिए, फिक्स सेट क्या आप रेगुलर बेसिस पे बेच देते हैं, क्या रेगुलर बेसिस पर आपको उनको बेचने से प्रॉफिट होता है. अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो बिल्कुल नहीं. फिक्स सेट बेची जाएंगी कुछ सालों बाद, 8 साल में, 4 साल में, 7 साल में. तो इट्स अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, इट्स नॉट रेगुलर फिनोमिना. तो ये चीज भी आपकी यहाँ से माइनस नहीं होनी चाहिए थी. 30,000 एड नहीं होनी चाहिए थी 30,000 रुपीज. इट्स एन एबनॉर्मल गेन. तो ये एबनॉर्मल गेन हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे. तो देखिए, सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए. तो 2016 का जो प्रॉफिट आपको 30,000 गिवन था उसके अंदर आपने लॉस माइनस कर रखा था फायर का लॉस. वो प्रॉफिट एक्चुअली में कितना रहा होगा फिर, तो जो एबनॉर्मल एक्सपेंस आपने माइनस करा है उसे वापस एड बैक कर दीजिए. तो ये आ गया आपके पास 70,000. इसी तरीके से 2015 में आपको लॉस हुआ था,
इसमें से आपने वॉलेंट्री कंपनसेशन के 1,10,000 माइनस करे थे, विच इज डेफिनेटली नॉट अ नॉर्मल एक्सपेंस, तो आपने उसे ऐड कर दिया. इसी तरीके से 1,10,000 में आपने 30,000 रुपीज ऐड कर रखे थे, क्योंकि इनकम है तो ऐड ही करी गई होगी. तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की जो इनकम थी वो आपने ऐड कर रखी थी, जो कि ऐड नहीं होनी चाहिए थी बिकॉज इट इज एबनॉर्मल इनकम, तो आपने उसे माइनस कर दिया, दैट इज 80,000. नाउ दीज आर योर नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो आप टोटल करेंगे तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपके पास. नाउ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो कौन से नंबर ऑफ ईयर्स? जितने ईयर्स का आपने प्रॉफिट लिया है, तो 3 ईयर्स से डिवाइड करा आपने, दैट इज 60,000 रुपीज आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया. नाउ गुडविल की कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड से? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 2. तो ये 2 यहाँ लिखिए, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म. ये गुडविल ऑफ द फर्म आपने कैलकुलेट क्यों करी है? क्योंकि नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है और वो आपसे शेयर गेन कर रहा है, तो इतने सालों से आपने जो गुडविल बनाई है उसकी चार्ज तो आप करेंगे उससे, तो इसीलिए आप उसका जितना शेयर वो मांग रहा है उसके बदले में उससे 2/5 शेयर मांगेंगे. तो 1,20,000 रुपीज जो कि फर्म की गुडविल है उसमें उसे 2/5 शेयर देना पड़ेगा, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ए और बी. 48,000 रुपीज वो कैपिटल तो अपनी अलग से लाएगा, साथ ही गुडविल के पैसे भी आपके लिए लेकर आएगा. आई होप थोड़ा सा क्लियर रहा हो. ऐसा सा क्वेश्चन एक और देखते हैं आपकी बुक से ही. एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. दे एडमिट जेड इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर. तो जेड आ गया, इसीलिए हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है. जेड ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो जेड को पैसे लेकर आने हैं गुडविल के. गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 ईयर्स. तो आपको 2 ईयर्स परचेज लेने हैं, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है? 3 सालों का. अब आपको 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है. 2014 का प्रॉफिट गिवन है 50,000 रुपए, जिसने आपको कहा है कि आपने सेल ऑफ एसेट का प्रॉफिट ऐड कर रखा है, तो इट्स एन एबनॉर्मल इनकम, या आपने इसमें ऐड कर रखी है. इसमें से क्या कर दी जाएगी? सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी. लॉस है आपके पास 20,000 का, इसमें आपने लॉस बाय फायर के 30,000 रुपीज ऑब्वियसली माइनस किए होंगे, बट दिस इज एबनॉर्मल एक्सपेंस, तो ये वापस ऐड कर दिया जाएगा. फिर 70,000 रुपीज का प्रॉफिट है, इसमें आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करा था 1,800 का. अब देखिए, इंश्योरेंस क्लेम किसी फायर वगैरह की वजह से या किसी और अनसर्टेन इवेंट की वजह से ही हुआ होगा, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस क्लेम आपका रेगुलर रिसीविंग नहीं होता, इट्स एन एबनॉर्मल गेन, इसे भी इसमें ऐड नहीं होना चाहिए था, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा. डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, इसको लेकर भी कोई रेगुलरिटी नहीं होती. डिविडेंड रिसीव को लेकर रेगुलरिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि डिविडेंड डिपेंड करता है कि फर्म को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. अगर आपको पता हो डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस होता है कि इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स पर वो कंपलसरी दिया जाता है, लेकिन जो डिविडेंड होता है आपके पास वो डिपेंड करता है कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म आपको प्रोवाइड करेगी शेयर्स पर, नहीं तो नहीं प्रोवाइड करेगी. तो इसको लेकर भी आप कोई रेगुलरिटी नहीं कह सकते, बिकॉज इसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन कि ये कंपनी ये दे ही रही है या नहीं दे रही है, तो वी अस्यूम इट्स एन इररेगुलर इनकम. दैट इज व्हाई वी आल्सो सब्ट्रैक्ट 8,000 रुपीज. तो देखिए, गुडविल का फॉर्मूला होगा आपके पास एवरेज प्रॉफिट लेना है आपने 3 सालों का इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 2014 के प्रॉफिट में 5,000 रुपए का गेन ऐड है, जो कि प्रॉफिट ऑन सेल पर था, इट्स एन अबनॉर्मल गेन, तो उसे हमने माइनस कर दिया. उसके बाद 2015 में आपके पास 30,000 रुपए जो है वो फायर इंश्योरेंस के माइनस किए गए, विच इज ऑल्सो अबनॉर्मल एक्सपेंस, वो हमने एड बैक कर दिए. और आपके पास 18,000 रुपीज का इंश्योरेंस क्लेम इसमें ऐड किया गया था, उसे माइनस कर दिया गया. डिविडेंड रिसीव्ड आपने ऐड करा था, उसे माइनस कर दिया. Now we get the normal profits. तो इसका टोटल कर लेते हैं, that is total normal profit. Now what is average profit? Total normal profit upon number of year. जितने भी आपने total years लिए हैं, 3 साल लिए हैं, तो 3 साल ये आपके पास average profit आया. Now goodwill is average profit into number of year purchase. उसके बाद आप Z का share निकाल लेंगे, इसमें से कहा नहीं गया है, but फिर भी 66,000 का 1/4, यानी जो Z है उसे form में अ पार्ट ऑफ कैपिटल, उसे 16,500 रुपीज गुडविल देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बिजनेस को इस लेवल तक लाने के लिए कहीं ना कहीं एक्स और वाई ने इतनी मेहनत करी है, तो उस मेहनत का फल तो उनको मिलना ही चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. ओके, बी इज एडमिटेड फॉर इक्वल शेयर, यानी अभी तक रेशियो थी 1:1:1. नाउ दैट रेशियो बिकम 1:1:1:1, यानी डी 1/4 शेयर मांग रहा है आपसे. For this, goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of the average last 5 years. The profits were this. So, ये last 5 years के हमें profits given है, जिसमें से एक साल आपका loss है 15-16 में. आगे और information आपको दी है और कहा गया है आपको कि 1 अप्रैल 2015 को अमोपेट कॉस्टिंग रुपीज 20,000 वॉज परचेज
and debited to traveling expense. Now moped is your asset. तो आप उसे एक एक्सपेंस कैसे मान सकते हैं? और एक एसेट को पीएनएल में डेबिट नहीं किया जाता, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो आपसे गलती हो गई है, आप इस गलती को सुधारना है आपने, कि आपने 1 अप्रैल 2015 को एक मोपेड खरीदा था विच इज एन एसेट, और आपने उसे एक नॉर्मल एक्सपेंस मानकर उस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। उस पर डेप्रिसिएशन लगना था 25%। तो अब इस गलती को कैसे ठीक करा जाए? देखिए, बाकी 4 सालों का प्रॉफिट तो एकदम ठीक है, सिर्फ इस साल आपसे गलती हुई कि आपने इसमें 20,000 रुपए का खर्चा माइनस करा, जिसे आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस माना, जबकि वो 20,000 का खर्चा आपका नहीं था। तो 20,000 रुपए हमने ऐड कर दिए, लेकिन ये गलती ऐसे ही सुधारी जाएगी ना, कि ये तो एक एसेट ही से एसेट ट्रीट कर लिया, पर इस पर जो डेप्रिसिएशन लगना था, क्योंकि आपने इसे उस टाइम एसेट ही नहीं माना, तो आपने इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। अब आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाइए, तो 20,000 का 25% यानी 5,000 रुपीज आपके पास डेप्रिसिएशन हो गया, तो वो डेप्रिसिएशन जरूर माइनस होना चाहिए था उस ईयर में। तो उस ईयर में से आपने उसका डेप्रिसिएशन माइनस करा, एंड वी गेट कि जो उसका ट्रू जो लॉस था वो असलियत में 2015-16 का लॉस जो है 1,05,000 होगा। तो अब ये सारे प्रॉफिट जो है एड कर दीजिए, वी गेट 2,35,000 टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने की 5 साल है आपके, तो ये 47,000 रुपीज आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। नाउ व्हाट इज गुडविल? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। अब जेड जितना शेयर मांग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 1/4 शेयर मांग रहा है, तो वो यहां से 1/4 शेयर के पैसे गुडविल के ए बी और सी को पे करेगा, या जो भी सेक्रीफाइजर रहता है वो आपसे गुडविल के पैसे चार्ज करेगा। थैंक यू सो मच।